हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने ईएमए प्लस फ्रैक्टल स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय आवर सब्सक्राइबर धवल चिचड़िया का बैक टेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया था। रिजल्ट्स अच्छा था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। आपने देखा होगा मैं अपने चैनल पे जो भी बैक टेस्टिंग करता हूँ वो सब स्टॉक्स और फ्यूचर्स में है। आप लोग में से कई लोग ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि भाई जरा क्रिप्टो के लिए भी स्ट्रैटेजी लाओ या फिर क्रिप्टो के लिए कोई अच्छी स्ट्रैटेजी बताओ। मैंने अब तक क्रिप्टो पे सिर्फ इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगता था कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है या तो कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है जो ज्यादा वायबल हो। आपको तो पता ही होगा इंडियन मार्केट में हम ऑप्शंस पे कितना कुछ करते हैं, बट क्रिप्टो में वैसा कोई वायबल ऑप्शन नहीं था। रिसेंटली वोल्ट के बाद लोग और डर गए, इसलिए हम अब तक अवॉइड कर रहे थे। हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोल डाला था कि हमें क्रिप्टो पे सीरीज बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। 350 प्लस लोगों ने वोट किया है और मोर देन 50% लोगों को एक्चुअली इंटरेस्ट है क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना या हमारे इंडियन मार्केट में जो हम इक्विटी फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, कंसेप्ट सब ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड या लॉट साइज के लिए अपने को देखना पड़ता है और वो पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। डोंट वरी, हम ये वीडियो में उसे आगे कवर करेंगे। हमने नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड और पोजिशन साइजिंग ऑलरेडी डीप में ये वीडियो में कवर किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो का उसे जरूर चेकआउट करना। थोड़ा कंसेप्ट उसी वीडियो का यूज करेंगे, बट क्रिप्टो में आपको मेजरली यूएसडीटी में ट्रेड करना होता है तो उस केस में क्या करना है हम वो वीडियो में आगे कवर करेंगे। ये वीडियो में हम कोई स्ट्रैटेजी टेस्ट नहीं करने वाले, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारा नए क्रिप्टो सीरीज के लिए। लास्ट तक देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। सो टुडेज वीडियो विल बी स्टार्ट ऑफ अवर न्यू क्रिप्टो स्ट्रैटेजी सीरीज वेयर वी विल बी टेस्टिंग क्रिप्टो स्ट्रैटेजीज एंड विल फाइंड आउट व्हाट्स द रियल विन रेट। तो इंट्रो के बाद हम क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए वो कवर करेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल या फिर एक वर्चुअल करेंसी होता है जो क्रिप्टोग्राफी की मदद से सिक्योर्ड है, जिसके वजह से आप कोई भी नकली क्रिप्टो करेंसी बनाना नियरली इम्पॉसिबल है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स में वो ट्रांजेक्शन स्प्लिट किया जाता है। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं क्योंकि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता। टेक्निकली गवर्नमेंट कुछ भी करे उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सके। और आपको पता है जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है उसमें लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्रिप्टो मार्केट ऐसा मार्केट है जो 365 डेज 24 आवर्स चलता है, जो सबसे बेस्ट बात है। बहुत लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना उनको ट्रेड करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो रात को या फिर एकदम सुबह सुबह ट्रेड करने के लिए उनके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अब सबसे पहला सवाल, ट्रेड कैसे करना है? आप अगर क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल करना चाहते हो तो आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस में। क्रिप्टो एक्सचेंजेस का काम ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म से सिमिलर ही होता है। वो आपको टूल या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां डिजिटल करेंसी एंड टोकन्स लाइक बिटकॉइन, इथेरियम को आप बाय और सेल कर सकते हो। जब भी आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सिलेक्ट करते हो ना तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखना पड़ता है, जैसे वो क्या क्या एसेट सपोर्ट करते हैं, उनका फीस कितना है, पेमेंट मेथड्स क्या है उनमें, और सिक्योरिटी कैसा है एक्सेट्रा। ये सब कंसीडर करके ही आपको एक बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आपके लिए सिलेक्ट करना है। अब बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, मैं प्रॉपर बड़े वाले की बात कर रहा हूँ, बाइनेंस, FTX, Coinbase एक्सचेंज एक्सेट्रा। यहाँ हम आपको एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है, डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बोलूं तो डेल्टा एक्सचेंज 2018 में फॉर्म हुआ था और रजिस्टर हुआ था सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स में। डेल्टा एक्सचेंज करंटली वॉल्यूम्स के मामले में नंबर 2 पे है अगर आप क्रिप्टो के ऑप्शंस के वॉल्यूम देखें तो, और बहुत जल्दी ग्रो भी हो रहा है। जैसे मैंने पहले बोला, ये उन कुछ एक्सचेंजेस में से है जो आपको ऑप्शंस, फ्यूचर्स और स्पॉट सब में ट्रेड करने देते हैं और लिक्विडिटी की भी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सिक्योरिटी की बात करूँ तो डेल्टा एक्सचेंज fireblocks.com यूज करता है कस्टडी के लिए, जो खुद एक ग्लोबल लीडर है डिजिटल एसेट्स के कस्टडी में। सो सिक्योरिटी का तो कोई टेंशन नहीं, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप उसमें से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके ट्रेडिंग फीस में फॉर 6 मंथ्स। इससे आप हमारे चैनल को डायरेक्टली हेल्प कर सकते हो और हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। ऑनेस्टली बोलूं, मुझे कई सारे स्पॉन्सरशिप के प्रपोजल आए हैं बट मैंने उनमें से ऑलमोस्ट सबको डिक्लाइन किया है क्योंकि वो सब या तो फिशी वेबसाइट्स होते हैं या फिर कोई स्कैमी क्रिप्टो बेस्ड प्रोडक्ट होता है या तो कोई कोर्स रहता है। आप जानते हो कि मैं ऐसी चीज़ अपने चैनल पे प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ ताकि आप मेरे लिंक से अकाउंट खोलो, बट प्रोडक्ट जेन्युइन है और मेरे को अच्छा लगा इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ। इससे चैनल की भी मदद हो रही है तो और अच्छी बात है।
आप देख सकते हो मैं मेन स्क्रीन ओपन करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज में। जैसे ही आपने मेरे लिंक से साइन अप किया और केवाईसी वेरीफाई किया है तो आपको भी ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। प्लेटफॉर्म ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे इधर लेफ्ट में आप मार्केट में क्लिक करोगे तो आपको पूरा मार्केट का पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो इधर मल्टीपल चीज है। आप जैसे फ्यूचर में क्लिक रहेगा तो आपको इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं ऑल्ट कॉइन्स के लिए, वो भी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। और कईयों में तो आपको 100x तक लीवरेज मिलता है। अब ये 100x लीवरेज दोधारी तलवार है। इफेक्टिवली यूज किया तो आप बहुत पैसा बना सकते हो, और अगर सही से यूज नहीं किया तो डूबा भी सकता है। अब इसे इफेक्टिवली यूज कैसे करना है वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी सॉर्टिंग है इसमें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, गेमिंग है, मीम है, NFT है, और इवन मेटावर्स भी है इसमें। अगर आपको इसमें से किसी में ट्रेड करना है, सिंपली इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करो और माउस होवर करो तो आपको इधर एक पॉपअप दिखेगा, उसे दबा दो। यहाँ ऐसा एक ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाएगा। इधर लेफ्ट में आपको डायरेक्टली चार्ट दिख जाएगा। इस केस में आपको BTC USD का दिख रहा होगा। इधर आप पॉपअप दबा के इसको और बड़ा कर सकते हो। ये सेम ट्रेडिंग व्यू वाला ही चार्ट है। आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, इंडिकेटर डाल सकते हो, एक्सेट्रा। वापस ये अपन ट्रेडिंग विंडो ओपन करेंगे तो आपको राइट साइड में ऊपर इधर लेवरेज कितना आपको यूज करना है वो दिखेगा। अब इसमें आपको बाय करना है कि सेल करना है वो सिलेक्ट करना है, और नीचे आप देखोगे तो इधर लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर या कंडीशनल ऑर्डर, और फिर इधर नीचे देखोगे तो लिमिट प्राइस है, लॉट साइज है, एक्सेट्रा। ये सब सेम आपको कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है वैसा ही है। इधर आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करते वक्त ही आपका स्टॉप लॉस और टारगेट भी डाल सकते हो, और जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो इधर नीचे आ जाएगा। अभी जैसे मैंने बोला इसमें आपको 100x तक लेवरेज मिलता है। अब ये हाई लेवरेज और लॉट साइज को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है वो हम लेटर पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट ऑप्शन, जो इनका स्पेशलिटी है। इस पर आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पूरा ऑप्शन चेन दिखेगा विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस। यहाँ लेफ्ट में आपको कौन सा क्रिप्टो में ट्रेड करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर एक्सपायरी कौन सा चाहिए वो सब सिलेक्ट कर सकते हो। इधर आपको दिखेगा कि आपने जो एक्सपायरी सिलेक्ट किया है उसको खत्म होने के लिए कितना टाइम है। अब सेम आप जैसे स्टॉक्स या इंडेक्स के केस में करते हो, ऑप्शन चेन में से आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे, जो ATM हो सकता है, ITM हो सकता है, या फिर OTM भी रख सकते हो, कुछ भी जो आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से उसको सिलेक्ट करो। तो ऐसा इधर राइट साइड में ट्रेडिंग विंडो आ जाएगा। आपने जो सिलेक्ट किया है, इस केस में आपने कॉल सिलेक्ट किया था तो इसके लिए आपको इधर कॉल दिख रहा है। अगर आप इस राइट वाला चीज़ के लिए करो तो पुट भी आ जाएगा। अगर आप बुलिश हो तो आप कॉल बाय कर सकते हो या तो पुट सेल कर सकते हो, और अगर आप बेरिश हो तो आप पुट बाय कर सकते हो या आप कॉल सेल कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म में ऑप्शन सेलिंग भी इजीली कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था ये प्लेटफॉर्म मेजरली ऑप्शन सेलिंग के लिए बनाया गया है। आपको ये ऑप्शन बाइंग में कोई लिवरेज नहीं मिलता, बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको 100x तक लिवरेज देते हैं। प्लीज़ नोट, ये सब टूल को आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करो। जैसे आपको पता है नेकेड ऑप्शंस कितने रिस्की होते हैं, या आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग यूज़ करके बहुत सारे पोजिशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे टेक्निक्स लाइक कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, एक्सेट्रा, वो सब यूज कर सकते हो। जिसके पास कम कैपिटल होता है ये प्लेटफॉर्म बेसिकली उसके लिए बेस्ट है। इसके बाद हम वापस मार्केट प्लेस में जाएंगे, जहां आपको यहां पर एक स्पॉट का ऑप्शन है। वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस बहुत कम दिखेंगे। आप इसमें डायरेक्टली जाके स्पॉट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक प्रॉब्लम मेरे को स्पॉट का लगता है कि आपको यहां लेवरेज नहीं मिलता है इसमें ट्रेड करने के लिए, और ऑनेस्टली मेरे को स्पॉट में ट्रेड करना सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आपको फ्यूचर्स में लेवरेज के साथ मिल रहा है, तो आप व्हाई नॉट आप डायरेक्टली फ्यूचर्स ही ट्रेड करो। सेम फ्यूचर्स जैसा ही आप ये पॉपअप पे क्लिक करोगे तो आपको सब सेम विंडो दिखेगा फ्यूचर जैसा। वैसे ही इनका मूव कॉन्ट्रैक्ट्स भी है और रोबो स्ट्रेटजीज भी है। मूव कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऑप्शन स्ट्रैडल है। जैसे किसी को लॉन्ग स्ट्रैडल करना है उसका मूव कॉन्ट्रैक्ट बाय करेगा, वही सेम हुआ, और अगर शॉर्ट स्ट्रैडल करना है तो वो सेम मूव कॉन्ट्रैक्ट सेल करेगा। अब नेक्स्ट रोबो स्ट्रेटजीज, बेसिकली अपना एल्गो ट्रेडिंग जो होता है ना सेम वैसा ही है। यहाँ इसमें कई स्ट्रेटजीज है, आपको इनमें से कोई एक ऑटोमेटेड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना है, और कितना कैपिटल आपको डिप्लॉय करना है वो डिसाइड करो और उसको इजीली ट्रैक करो। दिस इज सिमिलर टू FD और म्यूचुअल फंड्स। यहाँ आपको कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं करना है, आपने सिस्टम सिलेक्ट किया और वो आपको रिजल्ट दे देगा। ऑब्वियसली सिस्टम सिलेक्ट करते हो आपको पूरा रिसर्च करना है उसके ऊपर। यहाँ आप ऊपर इन्वेस्ट में देख सकते हो, यहाँ पर दो चीज़ है, रोबो स्ट्रेटजी और स्टैकिंग पूल। दोनों के बारे में आपको और जानना है तो इसका इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा। इधर ऊपर ऑफर पेज भी है, जहाँ आपको बहुत सारे नए नए ऑफर्स ये देते रहते हैं। पहले इनका एक मेजर प्रॉब्लम था, अगर आपको मनी डिपॉजिट करना है तो आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ता है लाइक Coinbase या WazirX, और उसमें से इसमें सेंड करना पड़ता था क्रिप्टो वॉलेट में, और ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता था। तो ये सब फीडबैक के बाद रिसेंटली उन्होंने डायरेक्टली डिपॉजिट करने के लिए Remitano लॉन्च किया इनका, जहां आप डायरेक्टली पैसा डाल सकते हो
सिंपली ऊपर डिपॉजिट पे क्लिक करो और बाय क्रिप्टो पे क्लिक करो, फिर राइट साइड में यहाँ रेमिटानो सिलेक्ट हुआ होगा, जो आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है वो इधर डाल दो, आई एग्री टिक करके प्रोसीड कर दो। अभी सिंपली आगे का स्टेप्स फॉलो करके आपको डिपॉजिट करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा पूरा प्रोसीजर। अभी भी आप डायरेक्ट विड्रॉल नहीं कर सकते, आपको दूसरे क्रिप्टो वॉलेट में डालना पड़ेगा, बट डोंट वरी, जितना मेरा उनसे बात हुआ है वो ये ऑप्शन जल्दी डालने वाले। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार्ट में बताया था, इतना हाई लेवरेज को इफेक्टिवली और सेफली कैसे यूज़ करना चाहिए। लेट्स से कि ये सेटअप है जो हम BTC USDT पे चेक करेंगे, टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स रखा है, या हमने 3 इंडिकेटर यूज़ किया, एक 9 EMA जो ग्रीन है, एक 20 EMA जो रेड है और एक सुपर ट्रेंड। अब लेट्स से सेटअप ऐसा बोलता है कि आपको एंट्री तब लेना है जब 9 EMA 20 EMA को क्रॉस करके ऊपर जाता है और सुपर ट्रेंड उस वक्त ग्रीन होना चाहिए। सो यहाँ हम इस कैंडल के हाई पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस स्विंग लो रखेंगे और टारगेट 2 times द रिस्क। अब ये चार्ट पे तो आपने डाल दिया, अब क्वांटिटी एक्चुअल कितना लेना है आप वो कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि क्रिप्टो में आप 1, 2, 3 ऐसा क्वांटिटी नहीं लेते हो, आपको एग्जैक्ट जितना चाहिए वो पॉइंट्स में भी ले सकते हो, राइट। इसलिए मैंने आपके लिए एक टूल बनाया है जिसमें आप डायरेक्टली लॉट साइज भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये टूल सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको पहले आपका अकाउंट साइज डालना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट साइज है $750, विच इज़ रफली अराउंड 60K। अभी इसके बाद लेट्स से मेरा रिस्क पर ट्रेड 1% है, तो $750 के हिसाब से $7.5 1% रिस्क पर ट्रेड होता है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको प्लेटफॉर्म कितना लेवरेज देता है वो डालना है। इस केस में डेल्टा आपको 100x तक देता है, इसलिए ये एग्जांपल में हम 100 डालेंगे। इसके बाद जो भी आपका एंट्री प्राइस है और स्टॉप लॉस वो डाल देंगे। बोला लॉट साइज मिल गया। अब सिंपली हम डेल्टा का ट्रेडिंग विंडो ओपन करेंगे या हम ऊपर लेवरेज में सीधा 100x कर देंगे, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। ये एग्जांपल में 100x रखा था, इसके लिए इधर ऊपर 100x कर रहा हूँ। अभी ये ऑर्डर बाय है कि सेल है वो रखेंगे, इस केस में बाय है। अभी नेक्स्ट यहाँ लिमिट प्राइस क्या है, यहाँ पर लिमिट प्राइस देखेंगे, एंट्री प्राइस ये है तो हम लोग एंट्री प्राइस ऐसा डाल देंगे। अभी इसके बाद आपको लॉट साइज डालना है, लॉट साइज आपको आपके एक्सेल से मिल जाएगा। अभी इसके बाद इधर नीचे आपका स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है, आप स्टॉप लॉस परसेंटेज में भी डाल सकते हो और एग्जैक्ट वैल्यू में डाल सकते हो। इसके बाद आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। ये लॉट साइज कैलकुलेटर का एक्सेल शीट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये कैलकुलेटर खुला है तो आप ये भी देख सकते हो, हम लेवरेज कम करेंगे तो लॉट साइज कम भी होता है। अगर आपने ये स्टेप करेक्टली फॉलो कर दिया ना तो आई गारंटी यू आर इन टॉप 20%। बहुत सारे लोग ये सिंपल रिस्क रिवॉर्ड का रूल अच्छे से फॉलो भी नहीं करते और लेवरेज के लालच में इतने बड़े बड़े पोजीशंस ले लेते हैं और अपना पूरा कैपिटल बर्न कर लेते हैं। आपको इनमें से एक नहीं बनना है और कोई भी प्लेटफॉर्म को आपको लॉजिकली और प्रॉफिटेबली यूज करना है। स्क्रिप्ट लिखते वक्त मेरे को लग रहा है कि ये वीडियो बहुत बड़ा बन गया है और मैं आपको और बोर नहीं करना चाहता। नेक्स्ट क्रिप्टो सीरीज के वीडियोज में हम क्रिप्टो के ऊपर स्ट्रैटेजीज लाएंगे और उसे बैक टेस्ट करेंगे, और अगर टाइम मिला तो एक एग्जांपल लाइव मार्केट में भी देख लेंगे, सिंस ये पूरा दिन खुला रहता है तो एक एग्जांपल देख सकते हैं। आई होप वीडियो इंफॉर्मेटिव है और आपको मदद हुआ होगा इससे कुछ। आई हाईली रिकमेंड आप डेल्टा में अकाउंट बनाओ, नो डाउट चैनल को मदद होगा इससे, बट एक बेनिफिट ये भी है, बहुत लोग हैं जो हम में से वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं और उन्हें लाइव मार्केट में ट्रेड करने नहीं मिलता। और जैसे अब मैंने पहले बोला, क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स ओपन होता है, तो आप यहाँ ट्रेडिंग सीख भी सकते हो और आपके स्किल्स बेटर कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपको उसमें 10% ऑफ भी मिल जाएगा आपके ट्रेडिंग फीस में फॉर 6 months। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपके स्क्रीन पे होगा, और अगर आपको ये बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है ये बैक टेस्टिंग शीट अपने चैनल पे, आप ये वीडियो जरूर देखना, आपको सजेशन पे भी आएगा, फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज कमेंट में आपकी फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में, ये भी जरूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे स्ट्रेटेजीज के वीडियोस भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।